मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था। ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधा वंतौ भटान मर्देश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगे गुरुजी? उद्यता उधई ही गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधु, बधु प्रयोग हुआ है, बधु प्रयोग हुआ है। तो बधु का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधु, इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहाँ बधु शब्द है वहाँ भी अर्थ राधा है, जहाँ बधु है ऐसे पानी का अर्थ जल भी हो। छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, पर ये तो यही समझेंगे ना कि अनुराधाचार्य बोल रहे हैं। इसे आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगू। भागवत जी के अष्टम स्कंद के दसवें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के आठवें स्कंद के दसवें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौर दंडई राधा वंतो भटान मृधे। राधा वंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधा वंत है। आधा वंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी? नहीं नहीं, ये गलत बात है। और छोड़िए उन बातों को, आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनुराधाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनु